जस्ट किडिंग। अब जो ये सब पूरा जो प्रस्तुति हुई, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, मानवता पूर्ण आचरण के फलस्वरूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की संभावना, इस पर ये प्रस्तुति पूरा हुई। इस प्रस्तुति के क्रम में मेरे अनुसार जो हर बुद्धिमान तो तत्काल स्वीकार ही सकता है, और स्वीकार यदि किसी कारणवश अभी नहीं स्वीकारेंगे, कल स्वीकार लेंगे, क्या बुरा हुआ, ये सब चलेगा। इसके पश्चात ये आता है तो हमारा जो ये इस कार्य को क्रियान्वयन करने की जो उपक्रम हमने किया है, अपने मैंने ताकत से, विचार से, बुद्धि से, विवेक से, वो भी आपको बता दिया। इसी प्रकार से आप भी अपना ताकत से, विवेक से, बुद्धि से आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी भारी जटिल काम नहीं है। इस प्रकार से कुछ लोग प्रवृत्ताएँ भी हमारे साथ, ये सब ये आज की सुखद समाचार की, सूचना की बात है। और एक मुद्दा इसमें यहाँ हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, मैंने किस ढंग से ये सब समझदारी का भंडार पा गया उसके विधि बताया। आगे मानव क्या करेगा, वो भी एक सोचने की बात, उसमें भी अपना नजरिया स्पष्ट रहने की आवश्यकता। इस मुद्दे पर हमको जो दिखा है, समझ में आया है, वो ये है, समझ में कोई भी मुद्दा समझ में आते तक में शोध या अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान कहलाया हुआ वस्तु जब शोध पूर्वक या अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित कर पाते हैं, उसको शिक्षा संस्कार विधि से लोकव्यापीकरण करना पहले से ही प्रसिद्ध है, ये आप भी जानते हैं। उसी विधि से ये लोकव्यापीकरण करना पहला मुद्दा है। तो लोकव्यापीकरण करते समय में जो पारंगत होते हैं वो कैसे होंगे, अध्यवसायिक विधि से, तर्कसंगत, विवेक और विज्ञान सम्मत अध्यवसायिक विधि से हर व्यक्ति पारंगत होंगे। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से है, अवधारणा के उपरांत हर व्यक्ति अपने ही प्रयास, अपने ही प्रवृत्ति, अपने ही आवश्यकता के रूप में प्रमाणित होना बनता है। प्रमाणित होना मेरा ही आवश्यकता रही है, उसी प्रकार आपका भी आवश्यकता प्रामाणिक होने का आप में ही निहित है। जब आप इस बात को महसूस करेंगे, हम प्रमाणित होना एक नितांत आवश्यकता है, इसी से हम निरंतर सुखी हो पाऊंगा, ये बात यदि समझ में आता है, आप कहाँ चुप रहोगे, आप भी प्रमाणित होंगे ही होंगे। इस ढंग से क्या हुआ, पहले हम अनुसंधानिक विधि से मैं पाया हूँ, अब मुझसे जो कोई भी पा रहे हैं पाएंगे, ये अध्यवसायिक विधि से होगी। अध्ययन के पश्चात स्वयं का जिम्मेवारी बोध के उपरांत शुरू होती है, बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही आती है। प्रमाणित करने के लिए जब उद्यत होते हैं बोध के उपरांत, किसी भी अवधारणाओं को हम साकार करने के लिए और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं, हम स्वयं अनुभूत होते हैं, उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। इस विधि से हर व्यक्ति अनुभव पूर्वक ही दूसरों को बोध कराएगा, और बोलने मात्र से ये बोध होगा नहीं, स्वयं अनुभव मूलक विधि से ही दूसरों को बोध कराएगा। ये इस प्रकार से बोध होने की बात आती है। इसमें अपवाद, तो एक आदमी कोई अनुभव किया नहीं रहता है, बोलने में निष्णात है, उसके बावजूद और किसी को बोध भी हो सकता है। अभी तक इसी ढंग से हुआ है, जो आगे की अनुसंधान ऐसा भी हुआ है, तो कुछ बातें हम सुनते हैं उससे ज़्यादा हमको बोध हो जाता है, फलस्वरूप हम अनुसंधान में जुड़ जाते हैं। मेरे ही विधि में ऐसे ही हुई है। तो इस क्रम में कोई कोई व्यक्ति को बोध हो जाता है, उसको शोध करेंगे और प्रमाणित करेंगे, ये भी हो सकता है अपवाद रूप में। अधिकांश रूप में अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे। ऐसा अभी के स्थिति में मानव का मानस, परिस्थितियाँ और जो कुछ भी हमारे चारों ओर फैली हुई स्थितियों को अध्ययन करने से इस प्रकार की निर्णय लेना मुझसे बना है।